कोरोना वायरस तब फैलता है जब कोई व्यक्ति खांसी और छींक की बूंदों के संपर्क में आता है। कुत्तों, बिल्लियों, बाघ आदि जैसे जानवरों में कोरोना वायरस केवल जानवरों की प्रजातियों के भीतर ही फैलता है। हालांकि अंतर प्रजाति प्रसार का मामला कभी सामने नहीं आया है। 29 जून 2022 की एक खबर के मुताबिक थाईलैंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। वहां एक पिता और पुत्र एक डॉक्टर के पास स्वैब टेस्ट के लिए गए और दोनों को कोरोना हो गया था। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया। उनके पास एक बिल्ली थी और बिल्ली को एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया। जैसे ही बिल्ली का स्वैब लिया जा रहा था, वह पशु चिकित्सक के चेहरे पर छींकी। डॉक्टर ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। बिल्ली को भी कोरोना हुआ था और परिवार के बाकी सदस्यों की तरह आइसोलेशन में थी। 3-4 दिन बाद डॉक्टर को बुखार, खांसी और सर्दी का अनुभव हुआ। उसने सोचा कि जब वह संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं थी तो वह कैसे बीमार पड़ सकती है। आनुवंशिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि पशु चिकित्सक और बिल्ली दोनों को एक ही प्रकार का उपभेद हुआ था। इससे साबित हो गया कि बिल्ली ने डॉक्टर को संक्रमित किया था। शोधकर्ताओं ने कहा कि वह संक्रमित हो गई क्योंकि डॉक्टर ने मास्क और ग्लव्स पहने थे लेकिन आंखों की सुरक्षा नहीं की थी। इस तरह वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक छोटी सी चूक से वह संक्रमित हो गई। हालांकि शोध से पता चलता है कि बिल्ली मानव प्रसार शायद दुर्लभ है। सावधानी बरतने के लिए लोगों को घरेलू पालतू जानवरों की देखभाल करनी चाहिए जो संक्रमित है, और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए।